दोस्तों 27 नवंबर ये तारीख क्रिकेट की दुनिया में कोई नहीं भुला सकता। 7 साल पहले यानी 27 नवंबर 2014 को क्रिकेट के मैदान में हुई इस घटना ने पूरी दुनिया को दुखी कर दिया। इस दिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूग्स ने अपना आखिरी मैच खेला। फिल ह्यूग्स सिर्फ 20 साल की उम्र में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे। 25 नवंबर 2014 को साउथ ऑस्ट्रिया और न्यू साउथ वेल्स के शेफर्ड शील्ड मैच चल रहा था। फिल ह्यूग्स 63 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे। शेन अबॉट की 135 किलोमीटर पर आर वाली रफ्तार की बाउंसर फिल ह्यूग्स नहीं खेल पाए। बॉल जाकर सीधे ह्यूग्स की गर्दन पर लगी। गर्दन पर बॉल लगते ही अंदर का नस फट गया, जिससे पूरे दिमाग में सूजन हो गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर वे 2 दिन तक कोमा में रहे और 27 नवंबर 2014 को उनका निधन हो गया।